Hello my dear students, my name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will summarize the events of the text The Third Level by Jack Finney. देखिए जैक फिनी ने चैप्टर थर्ड लेवल के अंदर बहुत ही प्रमुखता के साथ एक पॉइंट को उठाया है और वो पॉइंट है क्या इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है। एक्चुअली ये बात सुनने में थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है क्योंकि आज हमारे पास में टाइम ट्रेवल करने का कोई डिवाइस कोई मीन कोई गैजेट या कोई तकनीक फिलहाल नहीं है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि जो हमारे पास में अभी ना हो, ये कभी होगा भी नहीं। या हमसे पहले जो एडवांस्ड सिविलाइजेशंस रही हैं, क्या इस बात की संभावना है कि धरती पर कहीं कोई स्टारगेट या कोई वर्म होल हो जो कहीं दूसरे डायमेंशन में या किसी दूसरी दुनिया में लेकर के जा सके। अगर साइंटिफिक पहलू से इस चीज को देखें तो जवाब है हाँ। लेकिन अगर आप करंट सिनेरियो में इस चीज को गौर से देखें तो पाए कि शायद ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन विज्ञान का नाम ही है संभावनाओं की तलाश करना। तो यहाँ पर राइटर जैक फिनी जो है स्टोरी नरेट करते हैं एक नौजवान जिसका नाम है चार्ली। चार्ली बहुत ही सिंपल से फैमिली से बिलोंग करता है, ज्यादा कोई उसके साथ में कोई ऐसी हाईफाई या शोशा वाली चीज रिलेटेड नहीं है। लेकिन चार्ली एक ऐसा इंसान है जिसके साथ वो हुआ जो शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो एक शाम को, गर्मियों की शाम को, उसे अपने घर पहुंचने की जल्दी थी तो उसने जो है न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे पकड़ा। अब नॉर्मली ये रास्ता उसे बहुत जल्दी अपने घर तक पहुंचा सकता था, लेकिन उस पर्टिकुलर डे इसके साथ में बिल्कुल उल्टा ही हुआ। ये बजाय अपने घर पहुंचने के पहुंच जाता है कहीं और ही। यूजुअली न्यूयॉर्क का जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें दो ही लेवल है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। लेकिन उस पर्टिकुलर डे चार्ली जो है थर्ड लेवल में पहुंच जाता है और पहुंच जाता है पास के अंदर। अब यूजुअली वो वहां पर जो भी चीजें देखता है उसी को देख करके उसका दिमाग थोड़ा सा चकरा जाता है क्योंकि वहां स्टेशन पर जो भी उसने देखा बहुत ही ऑकवर्ड था और ओल्डन टाइम्स का था। जो टिकट विंडो थी पुरानी थी और लकड़ी की थी। टिकट विंडो के अंदर जो पर्सन बैठा हुआ टिकट काट रहा था और आंखों में जो है उसने ग्रीन आई शेड पहना हुआ था। पूरे स्टेशन के ऊपर जो है गैस लाइटें लगी हुई थी और इसके साथ वहां पर जितने भी लोगों ने कपड़े पहन रखे थे वो सारे के सारे जो है 80s के दशक में जो फैशन चलता था उस फैशन को लेकर के जो है वो लोग घूम रहे थे। तो यूजुअली एक अखबार बिक रहा था वर्ल्ड करके, उसमें जो खबर छपी थी उस खबर ने जो है चार्ली की उस बात को पुख्ता कर दिया कि वो अपने समय से काफी पीछे आ गया है। तो उसने जो है टिकट बूथ में बैठे पर्सन से दो टिकट मांगी गेस पर गिनोज के लिए और उसने पेमेंट किया अपने उस मॉडर्न टाइम्स की करेंसी में। तो वो करेंसी उस जमाने में तो चलती थी नहीं, आज की करेंसी वाला पुराने जमाने में चलती थी क्या। तो जो टिकट विंडो में पर्सन बैठा हुआ था उसने बहुत ही वार्निंग वाले लहजे में जो है एड्रेस किया और चार्ली समझ गया कि एक्चुअली जो है यहाँ से रफू चक्कर होने में ही, यहाँ से चलने में ही समझदारी है। तो वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौट गया। अब ये बात उसने जो है अपने दोस्तों को बताई और ये बात उसके खासम खास दोस्त जो कि एक साइकेट्रिस्ट भी था सैम वीनर उसको पता चली। सैम वीनर ने तो पहली ही बार में कह दिया कि चार्ली जो है जागती आंखों का सपना देख रहा है क्योंकि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं इस दुनिया में जो है इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है और इनसिक्योरिटी होने की वजह से हम हमेशा ऐसी स्टेट में जाना चाहते हैं जिस स्टेट में हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा सके, चाहे इमोशनली हो चाहे किसी और वे में हो, मेंटली हो चाहे से। तो सैम वीनर जो कि साइकेट्रिस्ट था उसने सिरे से नकार दिया इस बात को और उसने उसकी पत्नी लुइसा को भी कन्विंस किया कि चार्ली जो है बेफिजूल की बातें कर रहा है और इसको आप समझाओ कि ये थर्ड लेवल जैसे किसी चीज के पीछे ना पड़े। तो लुइसा ने भी जो है चार्ली को कन्विंस किया कि थर्ड लेवल जैसी कोई चीज है ही नहीं चार्ली, ये तुम्हारी जागती आंखों का सपना था। चार्ली ने भी मन मार करके फाइनली थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया। अब सीन ये है कि उसका वही दोस्त
साइकेट्रिस्ट दोस्त जो उसको सलाह दे रहा था कि भैया थर्ड लेवल जैसी कोई चीज नहीं है, सडनली एक दिन विदाउट अ ट्रेस ही डिसअपीयर्ड। तो तरह तरह की बातें हुई कि कहां जा सकता है, उसके डिसअपीयरेंस को लेकर के चार्ली को डाउट हुआ कि शायद कहां जा सकता है। तो चार्ली ने थोड़ा सा पता किया कि सैम वीनर कहां जा सकता है। तो उसने जानकारी निकाली कि सैम वीनर ने बैंक के अंदर जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी की सारी सेविंग्स जो है उसने पुरानी करेंसी में कन्वर्ट करवाई थी और उसके बाद वो डिसअपीयर हो गया। तो चार्ली को ये समझने में देर नहीं लगी कि सैम वीनर कहाँ गायब हुआ था, लेकिन उसके पास ऐसा कोई क्लू को ऐसा सबूत नहीं था जिसे वो साबित कर सके। तो चार्ली को जो है फर्स्ट डे कवर कलेक्ट करने का बहुत तगड़ा शौक था और ये शौक उसके दादा भी रखते थे। तो एक दिन परेशानी वाली हालत में वो जो है अपने फर्स्ट डे कवर को जो है स्क्रोल कर रहा था, देख रहा था, तभी उसकी नजर पड़ती है एक ऐसे फर्स्ट डे कवर के ऊपर जिसे इन कवर्स के बीच में नहीं होना चाहिए था। तो ये लिखा गया था चार्ली के दादा के एड्रेस पर और ये लेटर था चार्ली के लिए। अब चार्ली के लिए लेटर लिखा गया था अभी जो करंट समय है उससे लगभग 80-90 साल पहले, और उस समय तो चार्ली का नामो निशान ही नहीं था, लेकिन साफ साफ उस लेटर के अंदर चार्ली का नाम लिखा हुआ था और लिखने वाला कोई और नहीं सैम वीनर था। तो उस लेटर के अंदर सैम वीनर ने कहा, चार्ली मेरे दोस्त तुम बिल्कुल सही थे थर्ड लेवल के बारे में, थर्ड लेवल सच में है और ये मुझे मिल गया है। तो मुझे थर्ड लेवल मिल गया है चार्ली और मैं थर्ड लेवल में ही हूँ। तो उसने वहां पर उन चीजों को जो है नैरेट किया जो उस समय वहां उसको दिख रही थी। उसने कहा कि यहाँ पर एक परिवार है जिसने मुझे लेबनेट पार्टी में इनवाइट किया है और ये जगह जो है किसी स्वर्ग से किसी हेवन से कम नहीं है। तो तुम इसे थर्ड लेवल को ढूंढते रहो तब तक जब तक कि तुम्हें मिल ना जाए, क्योंकि ये ढूंढने जाने के सर्वथा योग्य है। और जब ये लेटर चार्ली ने लुइसा को दिखाया तब जाकर के लुइसा को विश्वास हुआ कि यार चार्ली उसका पति सही कह रहा था, थर्ड लेवल जैसी जगह सच में कोई है। और उस दिन के बाद से लुइसा और चार्ली दोनों के दोनों समय निकाल करके थर्ड लेवल को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन ये उनका बैड लक कहिए, उनकी डेस्टिनी कहिए या कुछ और कहिए कि उनको थर्ड लेवल कभी मिल नहीं पाया। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस चैप्टर की समरी को एंड करते हैं। फिर हम मिलेंगे किसी दूसरे चैप्टर की समरी के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।